मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी एंड द फिलिप्स का कैन द फिलिप्स का बी एक्सप्लाइट बाई पॉलिसी मेकरस जो हमने शुरू में बात की थी कि क्या कोई ऐसा पॉसिबल है कि हम एक को या 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 इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को यानी हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन एक्सेप्ट कर लें तो उसके नतीजे में क्या हम अन्प्लॉमेंट को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते सो कैन दे चूज़ द ऑप्टीमल कॉम्बिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इसके हवाले से क्लासिकल कहते हैं कि नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल वन का ये ख्याल है कि येस इट इज़ पॉसिबल एट लीस्ट इन द शॉर्ट टन क्लासिकल का जो आंसर है कि ये नहीं मुमकिन उसकी रीज़न उनके पास जस्टिफिकेशन क्या दैन अनएम्प्लॉयमेंट रियट रिटर्न टू इट्स नेचुरल लेवल वेरी क्विकली एज पीपल्स एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट के प्राइस जो हैं वो फ्लैक्सीबल हैं क्विकली एडजस्ट कर जाती हैं तो इसलिए वो ये समझते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन्स वो वे रैशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत क्विकली वो एडजस्ट कर देंगी सो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लाइट नहीं किया जा सकता सो अनए्लायमेंट कैन चेंज फ्राम इट्स नेचुरल लेवल ओनली फॉर अ वेरी वेरी ब्रीफ टाइम पीरियड जो शॉर्ट पीरियड है आप जानते हैं वो क्लासिकल में वो इेलीवेंट हो जाता सो आल्सो पीपल कैच ऑन टू पॉलिसी गेम्स दे हैव रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड ट्राई टू एंटिसपेट पॉलिसी चेंजेस सो देर इज़ नो वे टू फूल पीपल सिस्टमेटिकली यानी अगर आप लोगों को अन एंटिसपेट कोई शौक़ देंगे और उसको चेंज करेंगे तो बहुत जल्द लोग उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपनी एक्सपेक्टेशन में और फिर वो आपके पैटर्न को भी फॉलो कर देंगे कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ किस हालात में अडॉप्ट करती हैं तो आप उनको यानी लंबे अरसे तक आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते वो आपके गेम को फॉलो कर देंगे सो कैंडियन क्या कहते हैं कि यस ये पॉसिबल है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द फिलिप्स फिलिप्सकर द फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन एट द टाइम ऑफ द ओल्डेस्ट स्टिकी प्राइसिज पर सेट सो इट टेक्स टाइम फॉर प्राइसिज एंड एक्सपेक्टेड प्राइसिस टू एडजस्ट सो so, अनएम्प्लॉमेंट में डिफ़र फ्राम द नेचर रेट फॉर सम टाइम कि प्राइसिस कैंजन मॉडल में चूँकि स्लोली एडजस्ट करती हैं तो इसमें फिर शॉर्ट रन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्राइस स्लोली एडजस्ट करेंगी करेंगीपेक्टेशन अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट होंगी तो इसलिए उस उस टम्प्रेरी पीरीड ट्रांजिशनल पीरियड में जो है वो एक्सपेक्ट जो उसका इम्पेक्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट आन, पर ल्यूकस ने इस कॉन्टेक्सट uh, में बहुत मज़े की बात की उसने कहा कि वैन द रूल्स ऑफ द गेम चेंज बिहेवियर चेंज उसने कहा यह मुमकिन नहीं है कि आप रूल्स पॉलिसी चेंज कर दें और लोग पुरानी पॉलिसी के मुताबिक ही बिहेव करते रहें जब लोगों को पता चलता है कि पॉलिसी चेंज हो गई है तो वो डेफ़िनेटली फिर अपने अपना बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं सो ल्यूकस अप्लाइड दिस आइडिया टू माइक्रो इकनॉमिक्स आर गोइंग दैट हिस्टोलिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स Would not help if there has been a major policy change. कि अगर पॉलिसी चेंज आप कर देते हैं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट आपको नहीं करना चाहिए लोग फिर उसके मुताबिक अपने अपने बिहेवियर को भी चेंज कर लेंगे So, the Phillips curves is a good example. It fell apart as soon as पॉलिसी tried to exploit it. इट यानी जब पॉलिसी मेकरस ने इसको यूज़ करना चाहा तो ये ये ब्रेक कर गया इसका मतलब यह है कि लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं रहा इवेलुएटिंग पॉलिसी रिक्वायर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बिहेवियर विल चेंज अंडर द न्यू पॉलिसी सो बोथ इकनॉमिक थ्योरी एंड एम्पेरिकल एनालिसिस आर नेसेसरी ओके इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होगा लॉन्ग रन में तो केंद और क्लासिकल यानी दोनों का इस बात पर कंसेंसिस है कि लॉन्ग रन में कोई रिलेशनशिप नहीं है ओके शॉर्ट टर्न में ये डिसएग्रीमेंट है कि क्लासिकल कहते हैं कि शॉर्ट टर्न इज सो शॉर्ट सो इट इज़ इलेवेंट जबकि कैंस कहता है कि नो शॉर्ट टर्न में उसकी रेलिवेंस है उसमें हम एक्सप्लॉयड कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग रन में बहरहाल बोथ आर ऑफ द व्यू कि देर इज़ नो रिलेशनशिप सो लॉन्ग रन में क्या है कि एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट

कि वो फॉर अ गिवन वैल्यूज़ ऑफ़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वो रिलेशनशिप था लेकिन लॉन्ग रन में जब वो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी यानी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चेंज होता रहेगा और दूसरा उसका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होता रहेगा तो उसमें फिर जो आपका फिलअप कर होगा जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इट विल बी लाइक दिस वर्टिकल इट मीन्स देर इज़ नो वाट एवर इज़ द इन्फ्लेशन ओके सो इट विल नॉट अफेक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट सो दर इज़ बट शॉर्ट रन में नगेटिवली स्लोप है किस हवाले से कि जब हम एज्यूम करते हैं कि वो दो चीज़ें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है कॉन्स्टेंट है फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इन्फ्लेशन और उसमें लेकिन लॉन्ग रन में रिलेशनशिप नहीं है सो चेंजिंग इन द लेवल ऑफ मनी सप्लाई है नो लॉन्ग रन रियल इफेक्ट ये इम्पॉटेंट कंक्लूजन उसकी इम्प्लिकेशन है कि मनी सप्लाई में कोई भी आप चेंज करें ठीक है इट विल नॉट अफेक्ट इन द लॉन्ग रन एनी रियल वेरिएबल और रदर नॉट सिर्फ ये नहीं कि मनी सप्लाई में इवन अ चेंज इन द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई विल हैव नो लॉन्ग रन रियल इफेक्ट ठीक है इन बातों का भी आप इसको समझें कि मनी सप्लाई में चेंज होने मनी न्यूट्रल है ये तो पहले भी हम बात करते हैं लेकिन अब इसमें एडिशन हम क्या कर रहे हैं कि इवन अ चेंज इन द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई विल नॉट इफेक्ट। इवन दो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट ऑनली टम्पोरेली पॉलिसी मेकरस मे वांट टू डू सो इफ फॉर एग्जांपल टाइमिंग इकोनॉमिक बूम्स राइट बिफोर द इलेक्शंस हेल्प दैम आर देयर पोलिटिकल अलाइस गेट रियलेक्टेड तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगरचे उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में कि मनी सप्लाई को इनक्रीज़ करके यानी इन्फ्लेशन को बढ़ा कर आप अन्प्लॉमेंट को कम कर सकते हैं तो ये डिबेट है कि जी वो कम होगी वो कितने अरसे के लिए कम होगी क्लासिकल कहते हैं कि वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होगी और कैंस कहते हैं कि नहीं ये इतना शॉर्ट नहीं है ये कुछ अरसे तक ये रहेगा ही अनएम्प्लॉमेंट को आप कम कर सकते हैं तो इस पर यह कहा जा रहा है कि इवन वो शॉर्ट पीरियड भी है ठीक है तो बाद उसका पोलिटिकल मोटिवस के तहत इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के काम करते हैं कि वो मनी सप्लाई में इजाफा करके ज़्यादा ख़र्चे करके अन्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका ओबियसली वो फिर एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं इलेक्शन के दौरान कि जी हमने ये काम किए तो उसकी वजह से उनके चांसेस में इजाफ़ा हो जाता है ओके थैंक यू